नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया ग्राम पंचायत दिधेड़ा में प्रधान द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। प्रधान नई विकास पुरुष है। मनेर विकासखंड मनेर अंतर्गत ग्राम पंचायत दिधेड़ा के प्रधान समीम अहमद ने मीडिया कर्मी के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि आज मैं अपने गांव में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। हमारे काम से गांव की जनता काफी खुश है। 400 शौचालय 26 आवास बनवाए हैं। नाली खड़ंजा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। गांव में कूड़ा करकट रखने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की है, जिससे गांव सुंदर और स्वच्छ रहे। इस महामारी बीमारी में कोरोना जैसे बीमारी से बचने के भी उपाय बताए। वहीं जब गांव की जनता से प्रधान के बारे में पूछा तो गांव की जनता ने कहा कि आज तक हम लोगों को ऐसा प्रधान सुयोग कर्मठ नहीं मिला था। प्रधान नई विकास पुरुष है, इनको हमेशा इस गांव का प्रधान रहेंगे। वहीं गांव वालों ने कहा कि आज गांव और विकास पर होता, लेकिन गांव की कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार गलत शिकायत पत्र देकर विकास में अवरोध पैदा करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। उच्च अधिकारियों से ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उक्त अवसर पर छोटेलाल सुभाष मिश्रा, मनोज राम प्रवेश मिश्रा, प्रशांत रामावती देवी, उषा देवी, कलावती मिश्रा, मीना देवी आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आइए सुनाते हैं उनकी बातें। कमलावती जी, आप यहाँ के गांव में जो प्रधान के द्वारा किया जा रहा है, उनके काम से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? ये लोग काम में जैसे शौचालय में आवास में तो हम लोग से पैसा उछा ले रहा हूँ, एक रुपया ना ले। अच्छा, मैंने काम कराओ तो नहीं है, विरोधी को आता कि हम कराओ था। प्रधान जी रहना उन्होंने करा ला, तो फिर प्रधान जी के तो हम दोबारा प्रधान बनो लोग। अच्छा, आज से शुरू हो गया। खिलाफटी घूमती है। आपका क्या नाम है? रमावती। रमावती जी, आप क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी के बारे में? सब कुछ ठीक है। ठीक बा, काम अच्छा करते ना? हाँ। कौन से कहीं शिकायत नहीं करना? हाँ, कौन से शिकायत नहीं करना? अग्राही राम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ प्रधान के द्वारा काम किया गया है कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर काम किए हैं, बहुत विकास बढ़िया किए हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि प्रधान जी में बड़ा कोई कमी। देखिए, आरोप लग रहा है कि प्रधान जी यहाँ काम नहीं किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, दुश्मन तो है, आरोप लगाना ही वाला है, लगाता ही रहेगा, लेकिन हमारा प्रधान जी बहुत बढ़िया विकास किए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। क्या प्रधान जी आज तक जितने प्रधान रहे उनमें सबसे अच्छा काम किया है? एक नंबर में काम किए हैं। बहुत से प्रधानी हम लोग भी 50 वर्ष देख रहे हैं, लेकिन ऐसी प्रधान कोई काम नहीं किया है, बहुत सुंदर काम किया। आने वाले चुनाव में फिर इनको आप लोग प्रधान बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। अगर प्रधान जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? लड़ेंगे। अच्छा, उनको आप लड़ाएंगे जी? अगर भागेंगे भी तो भी आप लोग लड़ाएंगे? काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और आप? बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रधान हमारे गाँव के, बहुत अच्छा कर रहा है। कहीं कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। ये आवास और शौचालय में कोई पैसे की लेन देन करते हैं कि नहीं? एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा अपना दे चुके हैं, एक पैसा नहीं लिया है, दे दिया है, लेकिन लिया नहीं है। और आप क्या कहेंगे? ठीक है, काम किए हैं। मान लीजिए आवास कॉलोनी में पैसा तो नहीं लिए है, भला को अपने 10 पैसा दे देंगे, बाकी किसी को लेते हैं। सुरेश राम जी बताइए, प्रधान जी काम किए हैं कि नहीं गांव में? गांव में बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। और आपका क्या नाम है? राम प्रवेश मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे प्रधान जी के काम में? क्या गांव सभा में काम किए हैं कि लूट खसोट किए हैं? प्रधान जी बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन लोग विरोधी पार्टियां हैं, उन लोगों को बार बार एप्लीकेशन देना काम है, लेकिन प्रधान जी जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं गरीबों के लिए, इसीलिए 10 साल से है, इस बार भी रहेगी, इस बार भी आप लोग रखेंगे उनके कामों से आप खुश हैं? संतुष्ट है जी। थैंक यू बहुत बहुत। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं ग्राम पंचायत दिघेड़ा का समीम अहमद प्रधान हूँ। प्रधान जी, मैं आपके गांव के बारे में, काम के बारे में जानकारी चाहता हूँ, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि भारत सरकार का मानसिकता से शौचालय जो दिया जा रहा है लोगों को, सबको दिया गया है, काम किया गया है, और नाली खंडिया को भी काम किया गया है, जितना विकास सरकार देती है वो सब किया जाता है। शौचालय कितने आप बनवा रहे हैं? शौचालय लगभग हमारे गांव में 400 का लगभग बना है। आवास कितना बना है?
आवास की सूची में बहुत कम लोग थे, करीब 23-24 लोग सूची में ना था, सबको बन गया है। नाली और खंजा की क्या व्यवस्था है? नाली खंजा बना है ना। ये कह रहे हैं कि शौचालय में और आवास में लोगों से आप पैसा भी लिए हैं क्या? ना ऐसा कोई बात नहीं है, अब जनते से पूछ सकते हैं शौचालय में पैसा चाहे आवास में पूछ लीजिए, वो बताएंगे पैसा प्रदान लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अच्छा, दूसरा आरोप ये लग रहा है कि ग्राम की जनता जो है आप पे आरोप लगा रही है कि आप जो है गाँव में कोई काम नहीं किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहें काम किए हैं, जनते से आप पूछ सकते हैं कि काम किए हैं कि नहीं, वही बताएंगे, जनता ही बताएंगे, हम तो कहेंगे भाई। आने वाला चुनाव में फिर आप चुनाव लड़ेंगे या कि किसी को मदद करेंगे? नहीं, जो सीट जैसा आता है वो हिसाब से देखा जाएगा, चुनाव लड़ेंगे, समान रिकॉर्ड आता है तो चुनाव लड़ते हैं, और कोई सीट आता है तो कोई हमारा सहयोगी लड़ेगा। क्या आपकी चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी गांव में? सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता ये होगी कि गाँव को, सब व्यक्ति को, गरीब हो सब जनता को, उसको देख रेख करें, उसको जो लाभ चाहिए उसको दिया जाए, और देते आए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य तो जरूरी है, बनाते ही हैं, चलने के लिए आने के लिए, शिक्षा के लिए भी बच्चों को सबको कहा जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, है ना। आपके ग्राम पंचायत में कितने विद्यालय हैं? 3 विद्यालय हैं। कौन कौन? एक माध्यमिक विद्यालय है, 2 प्राथमिक विद्यालय है। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, पढ़ाई मास्टर साहब मार्केटिंग करने जाते हैं? हाँ, जाते हैं, देखते हैं, मास्टर साहब लोग कहते हैं कि आप लोग जो कमी हो बताइए, अच्छे से बच्चे लोग पढ़ाइए, बच्चे न भागे स्कूल में रहें, बच्चों हाँ मिलता है सर जी, उनको दिया गया है, अभी पैसा उनके खाते, परिवार के खाते में पैसा भेजा गया, कोई चार्ज दिया गया है कोरोना में जो आया है, इससे पहले भी उनको देख रेख अच्छे से किया जाता है। कोरोना में आप क्या लोगों को संदेश दे रहे हैं? कोरोना में यही कहेंगे जनता से कि आप लोग ग्रामवासियों से, देशवासियों के से कि कोरोना में स्टेशन बनाकर रखिए, दूर रहिए, एक दूसरे के साथ में कुछ दूरी बनाकर बैठिए, फालतू में बाहर मत निकलिए, काम जो होता है तभी निकलिए बाहर और जाइए, क्योंकि कोरोना के लिए पूरा देश, पूरा वर्ल्ड परेशान है, बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, इसे पूरा अपने हिंदुस्तान से लेकर कई देशों, पूरा पूरे देश इसे परेशान है, यही कहेंगे घर में रहिए, बाहर मत जाइए। थैंक यू प्रधान जी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।